हिमल में अल्लाह अपनी मखलूक के साथ शरीक नहीं होता। दुरूद सलाम में फेल को भी इश्तराक में डाल दिया। यह है युसल्लून। अब अगली बात, थोड़ा सा युसल्लून का माना समझा लूं। आपने जिंदगी गुजर गई यही तर्जमा पढ़ते सुनते के दरूद भेजता है युसल्लून। आओ आए थोड़ा युसल्लून का मफहूम समझा दूं। युसल्लून का माना क्या है? ये दरूद भेजता है, इस दरूद भेजने का मतलब क्या है? दरूद भेजता है अल्लाह, इसका मतलब क्या है? आओ, युसल्लून का लफ्ज तर्जमा तो यही हो रहा है ना, हमेशा उम्र बरस के दरूद भेजता है, मगर इसका कोई खास माना भी तो होगा ना लुगत में। युसल्लून का लफ्ज आपको पता है सलात से है, युसल्ली और युसल्लून, और ये सलात से है। और लफ्ज सलात का माना और फ़ियाम में नमाज भी करते हैं, दरूद भी करते हैं, यहां दरूद माना है। अब सलात का जो लफ्ज है, याद रख लें, इसका मादा तीन हर्फ है। मादा कहते हैं रूट वर्ड, ओरिजिन। जिस रूट वर्ड से, जड़ से, जैसे दरख्त निकलता है जड़ से, इस तरह अरबी जुबान में हर लफ्ज का एक मादा होता है, वो उसकी जड़ होती है, रूट, उसमें से लफ्जों का दरख्त निकलता है, लफ्जों का दरख्त निकलता है। युसल्लून और सलात, इसका मादा तीन हर्फ है, या तो स्वाद लाम वाओ इसका मादा है, तीन हर्फ, या स्वाद लाम ये दो मादे हैं इसके अरबी लुगत में, अहले लुगत के हां इसके कितने मादे हैं? दो। या स्वाद लाम वाओ, ये भी जायज है, या स्वाद लाम ये भी जायज है, इससे बहस नहीं। ये है मादा। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो याद रख लें, कायदा ये है कि जितने लफ्ज भी इस मादा से, रूट से निकलेंगे, जो माना इस मादा में है, तमाम लफ्जों में एंड तक वही माना हर लफ्ज में पाया जाएगा। ये कायदा है, आप इस बात को समझ गए ना? यानी जड़ है या गुठली है, आम की आपने लगा दी गुठली, तो जो जायका उस गुठली का, उस आम का, उस फल का था, पूरा दरख्त तो जितने फल लगेंगे सब में वही जायका और वो तासीर और वो खूबी चलेगी। जड़ जैसी होगी, पत्ते फल फूल सब में उसकी तासीर चलेगी। मादा का जो माना होता है, मादा में जो बेसिक रूट वर्ड है, उसमें से अगर 100 लफ्ज भी निकल आए,